हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग अंतिमास फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मलाई में से घी कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम मलाई में से मक्खन निकालते हैं घी निकालने के लिए। तो मैं इस तरह से जार में इसको मलाई को फेंट लेते हैं, अच्छे से चलाने के बाद ही इस तरह से निकलता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं मलाई है जी मेरी, एक सप्ताह की मलाई है जी मेरी, और इसको मैं जार में डाल रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स करेंगे क्योंकि ये मलाई बहुत गाढ़ी हो जाती है तो अच्छे से चल नहीं पाता है जार मिक्सी में। तो मैं इसमें थोड़ा पानी भी मिलाया हुआ है मैंने इसमें, और अब इसको बंद करके मैं मिक्सी में चलाऊँगी। तो देखिए, बने रहिए मेरे ब्लॉग में और पूरा देखिए कि घी कैसे निकाला जाता है। पहले मक्खन निकालेंगे। ये मेरा निकल आया है, ऊपर ऊपर आ गया है, पूरा मक्खन ऊपर आ गया है और पानी पानी नीचे रह गया है। ये देखिए इस तरह से अलग से निकल आता है। और जैसे अगर किसी का नहीं निकलता है तो इसमें हम आइस भी डाल सकते हैं। आइस डालने के बाद में चम्मच से थोड़ा सा इसे चला देंगे तो इसमें पानी पानी नीचे रह जाएगा और जो मक्खन होता है वो ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, ये अभी थोड़ी देर में ये देखिए पूरा मक्खन ऊपर आ गया है और पानी पानी इसका जो मठा होता है वो नीचे रह जाता है। और इसका मठा भी हम यूज़ कर सकते हैं कढ़ी बनाने में या फिर रायता बनाने में, वो भी ये वेस्ट नहीं किया जाता, वो भी बहुत अच्छा होता है। इस तरह से मैं इसको निकाल लूँगी सारा घी को, मक्खन को। ये देखिए मैंने अपना पूरा मक्खन निकाला, नीचे ये इसका मठा रह जाता है जो कि अभी तो इतना खट्टा नहीं होगा, इसको रखने के बाद में हम यूज़ कर सकते हैं, खट्टा हो जाएगा। और अभी मैं इसको गैस पर रख के गरम करूँगी। ये देखिए, और इसी बीच मैंने अपने बच्चों को दूध भी दे दिया था। और ये देखिए ये उफनता है इसलिए थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो स्टार्टिंग में तो इसको धीमी आंच पर ही करते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा इसमें उबाल आ जाता है तो फिर हम इसको फुल पे कर सकते हैं। और इसको चलाते रहना है, नहीं तो इसका नीचे ये लगने का डर रहता है, ये कढ़ाई में लग जाता है। और इसी बीच मेरी म्याऊँ भी आ गई है खाना मांगने के लिए, ये डेली आती है खाना मांगने के लिए और बस यहीं खड़ी रहती है, इसके अंदर नहीं आती। तो अभी मैं इसको बिस्किट दूंगी क्योंकि इसको पार्ले जी के बिस्किट बहुत पसंद है और सुबह ये दूध पीती है। एक टाइम में मैं इसको दूध देती हूँ और इवनिंग में मैं इसको बिस्किट देती हूँ, क्योंकि इवनिंग में अगर मैं इसको बिस्किट और दूध दोनों दूँ तो ये दूध छोड़ जाती है, पी के नहीं जाती है। तो इसलिए मैं इसको अकेला बिस्किट देती हूँ और सुबह टाइम में इसको दूध देती हूँ। ये देखिए चप्पलों की वजह से खा नहीं पा रही थी, मैं चप्पलें हटा देती हूँ। और ज़मीन पर पटक के लड्डू चली गई तो मैं इसको ऊपर हाथ से दे दूँ, ये अभी खा लेगी इसको। और ये खाने के बाद अपने आप चली जाती है और यहाँ पर बैठ के खाती रहेगी, अंदर नहीं आती है, ये बिल्कुल परेशान नहीं करती है। ऐसा नहीं कि कभी अंदर आ गई तो दूध में जब चमक रहा था, कुछ नहीं करती है, बस खाती है और चली जाती है। तो देखिए मेरा घी भी रेडी होने वाला है, थोड़ा सा रह गया है तो इसको चलाना बहुत ज़रूरी है वरना ये नीचे लग जाएगा। अब इसका बस थोड़े देर में ये बनके पक के तैयार हो जाएगा, तो इसको चलाना पड़ेगा बार बार। तो धीरे धीरे मैं इसको चलाती भी जा रही हूँ बार बार। और ये देखिए ऊपर ऊपर अलग से आ रहा है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। ये देखिए अलग से ऊपर आ गया। और ये यहाँ पर मेरे साथ एक हादसा होते होते बच्चे, यहाँ पर घी मेरे ऊपर लग गया था, गरम चमचा, गरम चमचा जो था वो गिर पड़ा मेरे ही ऊपर, मेरे हाथ से गिरा था, थोड़ा सा मेरे लग गया था। और गरम घी तो बहुत तेज़ लगता है। तो ये देखिए रेडी हो चुका है और मैंने गैस ऑफ कर दी है क्योंकि गरम कढ़ाई इतनी होती है कि वो इसमें ही रखा रखा पक जाएगा। और ये देखिए गरम, ये कढ़ाई में बंद कर चुकी हूँ पर फिर भी इसमें उबाल आ रहा है और ये थोड़ी देर बाद बिल्कुल कलर चेंज कर देगा। ये देखिए ये साइड में इसका ये बुरादा है ना, इसको हटा के देखिए अब ये लगने लगेगा नीचे, कि नीचे साइड में रह जाएगा नीचे और ऊपर घी की अलग आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल पक चुका है ये,
इस पर रखा रखा ही पक गया, और ये देखिए घी मेरा निकल आया है। और ये समथिंग 250 ग्राम करीब है, ठंडा होने पर इसे डिब्बे में निकाल दूँगी। और देखिए आज रायपुर में बारिश हो रही है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ये देखिए आज का ब्लॉग भी इतना ही। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके साथ आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए और बताइएगा मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, और सब्सक्राइब भी कीजिए, और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को पूरा देखा कीजिए, और जो कमी है तो मुझे कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं आपके लिए